this way and I will bring it down to the Kali Yuga times. But I need to have everyone's attention. Yeah? So before we begin, I thank Uma Aunty and everyone for inviting me here. And let's start with a small shloka. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devi sarasvatim vyasam devim sarasvatim vyasam tato jaya udirayet. जो छोटा सा मैंने भी श्लोक बोला है, इसमें हम नर और नारायण दोनों को स्मरण कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सरस्वती जिनकी लीला का वर्णन व्यास देव जी द्वारा करवा रही है, हम उन चारों को स्मरण रख के यात्रा शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, तो हम उन चारों को याद करते यात्रा शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग था, उमा आंटी ने मुझे फोन करके बोला, एंड आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन कॉर्पोरेट टाइम, मेरे ग्रैंडसन का फर्स्ट बर्थ। तो मैंने उनको कहा, आंटी मैं मोस्ट प्रॉब्ली आई एम ट्रैवलिंग अगेन, मैं नहीं आ पाऊंगी, परंतु I made it a point, I cancelled my travel plans and I came here and I want to thank auntie, क्योंकि महाभागवत में वो कहते हैं कि जो प्रश्न करता होता है, जो प्रश्न पूछता है कृष्ण के बारे में, तो तीन तरीके के लोग संतुष्ट होते हैं। कौन कौन? जो प्रश्न करता है, जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है। So all three benefit, I have benefited a lot, मैं बहुत कुछ अध्ययन करके वर्षों से मैं अध्ययन करती रही हूँ एंड अब मैं इस पे और अध्ययन करके आपके समक्ष एक झांकी प्रस्तुत करूंगी, जहाँ पे हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे कृष्ण जन्मेंगे, उससे पहले भी जाएंगे जहाँ पे देवकी थी, उससे पहले भी चलते हैं जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध हो गया, भीष्म पितामह अपनी शैया पे हैं और उन्होंने कहा मैं प्राण तब त्यागूंगा जब श्री कृष्ण आएंगे मेरे समक्ष पे। He kept on waiting. उत्तरायण आया, श्री कृष्ण आए, भीष्म ने कहा मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई, अब मैं जब तक ना बोलूं आपको खड़े रहना है, आप हिलेंगे नहीं। एंड कृष्ण did just that. He stood and भीष्म देखते रहे, उनको अपने अंदर आत्मसात करते रहे और जब उन्हें लगा कि वो वक्त आ गया है तो उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण की स्तुति करी एंड देन ही वेंट टू इट, है ना। अब युद्ध खत्म हो गया, उसी के बीच में अगर आप लोगों को पता हो द्रौपदी के पांचों संतानों की हत्या कर दी गई थी, आर यू अवेयर, है ना। तो द्रौपदी के पांचों संतानों की हत्या किसने करी? नॉट वध, हत्या, अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा ने सोते हुए निरपराध बच्चों की हत्या कर दी। और अश्वत्थामा का ये माइंड सेट था कि वो दुर्योधन का बहुत क्लोज फ्रेंड था, he wanted to please दुर्योधन, so he said कि जो गर्भ में है उसको भी मुझे नष्ट करना है तो लिनियज खत्म हो जाएगी। तो गर्भ में कौन था? अभिमन्यु। उत्तरा की अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में था, अभिमन्यु तो जा चुका था, उत्तरा के गर्भ में बालक था। तो कृष्ण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका उस बालक, अब वो ब्रह्मास्त्र से वो गर्भ नष्ट हो गया। उत्तरा भागी भागी कृष्ण के पास गई, कृष्ण से कहा कि प्रभु बचाइए, ऐसे तो पांडवों का लिंगेज खत्म हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, पृथ्वी पे दुष्टता बढ़ती चली जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होके ही एनवलोप्ड दैट गर्भ एंड पीतांबर स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में वो गर्भ में घुस कर ही सेव्ड दैट फीटस। एंड जब वो बालक पैदा हुआ, वो पुत्र था परीक्षित। अब हम चलते हैं 40 साल बाद, परीक्षित बहुत बड़े महाराज बन चुके हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पांडव सब जा चुके हैं, कृष्ण का भी गमन लीला समरण हो गया, वो भी चले गए। अब परीक्षित पहुंच गए, परीक्षित के साथ एक ऐसा हुआ कि ही हैड वन फॉर हंटिंग आखेट, तो आखेट करते करते वो बहुत अपने साथियों से बिछुड़ गए एंड ही वाज ऑल अलोन, परेशान हो रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी,
विभर हो गए भूख से और प्यास से। वहां पे उन्होंने देखा एक श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने कहा ऋषिवर मुझे जल चाहिए। अब ऋषिवर तो तपस्या में थे, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली लीन। तो परीक्षित गॉट वेरी एंग्री, ही सेड मैं भूखा प्यासा, अब ना जाने ये ऋषि प्रिटेंड कर रहे हैं कि सच में तपस्या में है, ये तो मुझे नहीं पता, पर भूखे प्यासे को जल देना इज द लीस्ट दैट वन कैन डू। तो उन्होंने बोला कि मुझे जल जल लेना नहीं। वो इतने परेशान हो गए, उन्हें लगा उन्हें कुछ हो जाएगा। क्रोध में आके वहां पे एक मृत सांप पड़ा, सर्प पड़ा हुआ था। तो मृत सर्प को उन्होंने तलवार की नोक से उठाया और ऋषि श्रृंगी के गले में फेंक दिया। एंड सडनली ऋषि श्रृंगी को एक हार पड़ गया सांपों का। ऋषि श्रृंगी तो अपनी तपस्या में थे, कुछ हुआ है, पर वहां कुछ बालक खेल रहे थे, ऋषि बालक। दे ऑल वेंट टू हिज सन, श्रृंगी ऋषि के पुत्र के पास, कि देखो देखो ऐसा कुछ हो गया है, तो इसे रियली। तो वो वहां पे पहुंचे जहां पे उन्होंने देखा उनके पिता तपस्या में है और उनके गले में सर्पों की माला। ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, तो उन्होंने शाप दिया, आज से सातवें दिन ये जो भी महाराज है, जो मुझे तुम्हें नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर तुम्हारी मृत्यु। उनको शाप मिला कि द सेवेंथ डे ही भी पास हो गए। नाउ परीक्षित बीइंग परीक्षित ऑफ अ लिनिएज फ्रॉम द पांडव, सारे उनका पुत्र कृष्ण की भक्ति, तो परीक्षित डिसाइडेड कि मेरे पास सेवन डेज है। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चल रही हूँ कंस जहाँ पे था, मथुरा में। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की जो चचेरी बहन है देवकी, देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध कर देगा। सो वी हैव टू स्टोरीज साइमल्टेनियसली, वी हैव परीक्षित हियर जिसको सेवन डेज के बाद मृत्यु प्राप्त होगी, एंड वी हैव कंस हियर। कंस को अपनी सिस्टर के एट से उस टाइप उसकी डेथ होगी। अब इन दोनों की लाइफ कैसे अनफोल्ड करती है, वही जर्नी है। एक तरफ कंस है जिसे पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, एक तरफ परीक्षित है जिसे पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, बट हाउ दे बिहेव, व्हाट थॉट्स दे हैव, व्हाट विल दे डू इन दैट टाइम इज द क्रक्स, कहाँ पे हमारा जीवन जाता है, कहाँ से हम शुरू करते हैं यात्रा और कहाँ पे अंत होगी और क्या हमारी गति होगी। तो बहुत सुंदर तरीके से भागवत में ये सारा विवरण आता है। तो परीक्षित कहते हैं कि मेरे पास सात दिन है। परीक्षित कहते हैं मैं क्या करूँ, वो पहुँचते हैं गंगा तट पर और वहाँ पे उनको मिलते हैं ऋषि शौनक। ये सारा जो मैं सुना रही हूँ ये भागवत पुराण में भी है, महाभारत में भी है। वहाँ पे शौनक ऋषि होते हैं और शौनक ऋषि को ये कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे इन सातों दिनों में ही मेरा उद्धार हो जाए और मेरे साथ मनुष्य मात्र का सुनने से इस बार व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी लिसन टू, व्हाट शुड वी, हाउ शुड वी हैंडल आवर लाइफ। तो ही वांट्स टू नो, और वो कहते हैं मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, मृत्यु तो सात दिन बाद आएगी आएगी। वो जो बालक था उसने कहा था तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु आएगी। तो परीक्षित कहते हैं मैं सात दिन का वेट नहीं कर रहा, आप मुझे अभी बताइए। तो तब जब वो बोल रहे होते हैं, ऐसे कई बार होता है ना हमें टेलीपैथी होती है, हम जिसके बारे में सोचते हैं या तो कॉल आ जाता है या स्वयं आ जाते हैं, जस्ट हैपेंस राइट। तो वहीं पे उस समय शुक्रदेव का प्रादुर्भाव होता है, एंड व्हेन आई से प्रादुर्भाव मीन्स, अब जैसे आसमान में है रात, सूरज आता है, सूरज जब जाता है तो चंद्र अपने आप चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं, चंद्रमा जैसे हैव टू कम देयर ऑलरेडी देयर, ऐसे शुक्रदेव वहाँ पे। शुक्रदेव से परीक्षित ने अपने सारे क्वेश्चन रखे, शुक्रदेव से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है, आप मुझे बताइए, एंड ये मेरी नीड इतनी अर्जेंट है, ना मैं चैन से बैठूंगा ना मैं आपको चैन से बैठने दूंगा। तो उनकी ये बात सुन के सारा ऋषि समाज, ये वो काल था जब देवता स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक पाताल लोक को फ्रीली ट्रैवल, जैसे आज से 25 इयर्स अगो अगर हमें कोई कहता कि हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जूम करेंगे, वी डोंट हैव बिलीव, हम कहते व्हाट बुलशिट, हाउ इज दैट पॉसिबल, पर अब हमारे काल में वो सब हुआ, वी कैन सी दैट। तो ये वह काल था जब अवतरित हो जाते थे वहाँ से, मे बी इन समर, मे बी फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए, मे बी,
हम यहाँ से रीमोलिकुलराइज हो, वहां पे मोलिकुलराइज हो जाए, थिंग्स आर प्रोसीडिंग. तो ये वो काल था व्हेन दे कुड कम्युनिकेट, व्हेन दे कुड टॉक टू ईच अदर, व्हेन दे कुड कम. तो सारे ऋषि, सारे देवता वहां पे आए, क्योंकि उन्होंने रियलाइज करा कि जो ये परीक्षित देव जी का संवाद है, कुछ मैजिकल होने वाला है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट कि कौन से ऋषि वहां पे इकट्ठा हुए. वंस यू रियलाइज यू आर इन ऑल. सो ऑल द ऋषिज दैट वी नो ऑफ, तो गंगा के तट पे परीक्षित हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, सारे लोग आ चुके हैं, अनशन कर रहे हैं, और वहीं पे आए हैं अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, चमन, शरद्वान, अष्टनेमी, भृगु, अंगीरा. मेरा मकसद ये है कि आप लोग कम से कम नाम जान लें, बिकॉज नन ऑफ अस आर इवन अवेयर ऑफ द नेम्स. यू नो, हमें नाम भी नहीं पता अपने ही लैंग्वेज के बारे में, अपनी ही संस्कृति के बारे में, अपने ही सनातन धर्म के महापुरुषों के बारे में हमें नाम भी नहीं पता. वी हैव बीन सो कॉलोनाइज्ड, मेंटली कॉलोनाइज्ड. तो वशिष्ठ, चमन, शरद्वान, अष्टनेमी, भृगु, अंगीरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रद, मेधातिथि, देवल ऋषि, अरिष्टनेमी, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रीय, औरव, कणव, अगस्त्य, व्यास, नारद जी. ओनली पर्पस वॉज यू शुड नो द नेम्स ऑफ हु ऑल ऋषिज वर देयर. सो इतनी बड़ी ऑगस्ट गैदरिंग के बीच में ये संवाद शुरू होता है, परीक्षित के क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करते हैं शुक्रदेव. सो परीक्षित के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. शुक्रदेव जी इन हिज जर्नी टेल्स परीक्षित अबाउट सारे अवतार जो भगवान के हुए थे. परीक्षित सुनते रहते हैं, ऐसे भागवत के 8 स्कंध निकल जाते हैं. इवेंचुअली दिस इज द सेकेंड स्कंध, सेकेंड बुक दैट आई हैव गॉट हियर राइट नाउ. इसमें भी दशम स्कंध आ जाता है. मतलब शुक्रदेव जी इज टेस्टिंग कि कितना पेशेंस है, कितनी थर्स्ट है फॉर गॉड एंड हिज नॉलेज. परीक्षित ने, उससे पहले मैं सुनाऊँ, परीक्षित देख लेते हैं, वो शुक्रदेव जी देख लेते हैं कि सिंसियर स्टूडेंट है, तो तब वो बोलना शुरू करते हैं. तो वो बोलते हैं, तब बताते हैं, अब ये सब कुछ आपने बता दिया, आपने मुझे चंद्रवंश, सूर्यवंश, लिनेज, गॉड्स, सारे अवतार. आई डोंट वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट कृष्ण. मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ, कृष्ण के बारे में मुझे पता करना है. तो शुकदेव जी कहते हैं, क्यों कृष्ण, किस लिए कृष्ण? तो परीक्षित कहते हैं, ये वही है जो मेरे पितामहों को, पांडवों को इन्होंने ही बचाया, मैं उन्हीं की लिनेज का हूँ, ये वही है जिनकी वजह से मेरी माता के गर्भ में मैं बचा. तो शुकदेव जी कहते हैं, अच्छा तुम्हें याद है? बोले हाँ, मुझे हल्का हल्का याद है, जब मैं गर्भ में था तो किसी ने मुझे एनवलोप करा और मैं बच गया था. तो शुक्रदेव जी समझ जाते हैं कि ये मुझे छोड़ेंगे. तो शुक्रदेव जी वहाँ से वर्णन शुरू करते हैं. अब हम ये कथा को यहीं रखते हैं. नाउ लेट्स गो टू मथुरा. मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में शूरसेन है. शूरसेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर्स. मथुरा नगरी थी, कैपिटल थी पूरे वर्ल्ड की, ऐसे बोलते हैं ये लोग, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट जम्बूद्वीप, एंटायर. मथुरा में कौन राज कर रहा है? शूरसेन. शूरसेन कौन है? शूरसेन है यादव कुलों का माथुर. मथुरा उस समय थी मधुरापुरी. तो मथुरा के रूलर है शूरसेन. शूरसेन के पुत्र है वसुदेव. वसुदेव का विवाह है किससे? देवकी से. राजा देवक की कन्या, राजा देवक की कन्या देवकी से विवाह है वसुदेव का. एंड ऑन दैट वेरी सेम डे वसुदेव इज टेकिंग हर बैक. विवाह हो चुका, सुदेवोदन हुई. और वर्णन करते हैं शुक्रदेव जी, योर दे ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड, जो हमें बताते हैं ना कि हमारे में दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी. तो दहेज वॉज नेवर अ प्रथा. दहेज हमारा शब्द नहीं है. हमारे यहाँ स्त्रीधन होता था, हमारे यहाँ उपहार दिए जाते थे, भेंट दी जाती थी. जब हम अपने बच्चों की बर्थडेज पर इतना करते हैं तो हम अपनी पुत्री, अपनी बेटी के विवाह में तो देंगे ही ना. पर जहाँ मांग होती है वो हमारी कल्चर में कभी खा नहीं. हम इतने, क्योंकि हमारे पर इन्वेजन्स बहुत होते रहे हैं मुगलों के, स्टार्टिंग बिफोर दैट फॉर थाउजेंड्स ईयर्स में भी इन्वेडेड, बट येट हम ही संस्कृति है जो जीवित हैं. यू टॉक अबाउट रोम, रोम है रोमन सिविलाइजेशन म्यूजियम्स में. ग्रीस है, ग्रीक सिविलाइजेशन कहाँ है? म्यूजियम में. कोई भी पुरानी सभ्यता संस्कृति बची नहीं है, कोई भी नहीं है, सब नष्ट हो चुकी.
We are the only ones who are alive to tell our story, who are alive and kicking. But हम इतने colonized हो चुके हैं, white Englishmen चले गए और हम brown Englishmen अपनी ही भाषा में, अपने ही धुनों में, अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति को old fashioned, outdated, superstitious, जो सारे वो लोग चाहते थे हम अपने अंदर हीन भावना में भरे, हम भर गए. And because we didn't take pains to learn, हमने अपने बच्चों को नहीं कराया, तो that's why हम लोग इतने दूर होते चले जा रहे हैं अपनी ही संस्कृति से. And before time runs out, which time is actually running out, हमारी generation हमसे बड़ी generation ने pains नहीं लिए सीखने के लिए. What I am doing with Vedic footprints is मैं बच्चों के लिए वाल्मीकि रामायण कराती हूँ in very simple terms. I don't charge a penny for my sessions. ये मेरा योगदान है. मैं 30 वर्षों से अध्ययन कर रही हूँ अपने गुरुओं से और अब मेरा लौटाने का समय है. आंटी ने बोला तुम कुछ लोगी? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं क्या लूँगी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम एनी वन, इट्स माई टाइम टू गिव बैक नाउ. सो हमारी कथा है, हम चल रहे हैं मथुरा, देवकी का विवाह है. देवकी के विवाह में देवक ने बहुत गिफ्ट्स दिए हैं. इफ यू रीड अबाउट दैट इट्स एस्टोनिशिंग. So what he has just mentioned? मैं main thing points कर रही हूँ, बाकी तो मैं जो the flow will go with the story. अच्छा anyway, तो देवक ने देवकी को उसमें वर्णन है कि हमारे यहाँ सोना बहुत पहना जाता था. We were very prosperous land. ये भूमि देवताओं की है, तो हम सोना पशुओं को भी पहनाते थे. हमारे यहाँ हाथी घोड़े सब सोना पे, तो स्वर्ण से लदे हुए 1800 घोड़े, कई हजार हाथी, कई जरा स्वर्ण के रथ, 200 दासियां जिनको पूरी ऊपर से नीचे तक लदी हुई थी. तो हमारा वैभव, हमारे यहाँ दासियां नौकरानियां नहीं होती थी, दासी दास भाव से, सेवा भाव से, सखी भाव से भेजी जाती थी. तो 200 सखियों को सजा सदरा के स्वर्ण से लाद के उन्होंने दिया. अब ये यहाँ पे बोल रहा था, उधर कंस है. कंस कौन है? उग्रसेन का बेटा. उग्रसेन कौन है? शूरसेन के चचेरे भाई हैं. तो कंस का इमेज मेकओवर करना चाहता था. कंस वॉज वेरी वेरी क्रूअल एंड ही वॉज हेटेड, एवरी वेयर ही वॉज हेटेड. कंस पॉलिटिशियन था, उसको अपना इमेज मेकओवर करना था. कंस ने सोचा अगर मैं अपनी बहन चचेरी बहन का रथ हाँकूँ, इमेजिन कि हमारे को कोई लेने आया और ड्राइवर को हटा के खुद बैठ जाए, पर कंस डिड जस्ट दैट. कंस ने सारथी को हटाया, रथ पर बैठ गया और वसुदेव को कहा कि देवकी को मैं छोड़ने चलूंगा ससुराल. अब जैसे ही वसुदेव का रथ को हाँकने लगा, उधर देवताओं में खलबली मच गई. क्यों खलबली मच गई? देवताओं के कैंप में, अरे ये क्या हुआ? हम तो नारायण को कह रहे हैं, नारायण आपको जन्म लेना है और नारायण ने इससे पहले मैं बीच में यही करके वहां ले चलती हूँ. नारायण के पास विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान क्षीर सागर में. पृथ्वी पर ये वो काल है जब बहुत अत्याचार बढ़ गया था. सारे जो दैत्य हैं वो राजाओं के रूप में आ गए थे एंड देवर एक्सट्रीमली क्रूअल. पृथ्वी उसका भार नहीं सहन कर पा रही थी. पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करा और ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी प्लीज हेल्प मी. ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है मैं तो नहीं हेल्प कर पाऊंगा, तो चलो हम लोग चलते हैं विष्णु के पास. तो उन्होंने शंकर भगवान को लिया, उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा करा. देखो तो क्षीर सागर पे बैठ के वो लोग तप करने लगे, स्तुति करने लग गए, परमात्मा की स्तुति करने लग गए. तो करते करते जैसे कई बार होता है ना, हम लोग ट्रांस में चले जाते हैं. तो ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए. समाधि में उनको आकाशवाणी हुई. अब ये सेकेंड आकाशवाणी है, पहले आकाशवाणी रथ पे हुई थी. अच्छा वो अभी आई है. आई विल टेक यू इन एंड आउट, बेयर विद मी. तो ये आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में. ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले. ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को ऑलरेडी पता है पृथ्वी की प्रॉब्लम और भगवान डिसाइड कर चुके हैं वो जन्म लेंगे मथुरा में वसुदेव के यहाँ. और उससे पहले वो चाहते हैं कि आप सब देवता गोकुल और मथुरा चले जाएं अपनी अपनी सहयोगिनियों के साथ और आप जन्म लें गोपों में, ग्वालों, आप लोग अपने अपने
जैसे अगर हमारे कोई स्टेज, जैसे आज हम मंजू जी के घर आए हैं, उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, शी इज लेड द टेबल, शी इज डन ऑल प्रिपरेशन. सिमिलरली कोई स्टेट विजिट होती है तो सारे मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली जब भी भगवान का अवतरण होता है पूरी सेटिंग बैठ जाती है. सिमिलर सेटिंग वाल्मीकि रामायण में आती है, जब भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला होता है, पूरा जब बोटियाँ बिछ जाती हैं तब भगवान आते हैं. यहाँ पे भी नारायण ने कहा सब लोग जाओ और मैं उनके घर में आऊँगा, और मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा बलभद्र के साथ जो मेरा ही अंश है, और मैं आऊँगा योग माया के साथ. ये स्टोरी नहीं रखते हैं. अब वापस पहुँचते हैं देवकी के विवाह वाले, कंस लेके जा रहा है, वहाँ पे भी आकाशवाणी, जैसे ही लेके जा रहा है देवताओं के कैंप में खलबली होगी. ये क्या हुआ, कंस अगर इनको लेके जाएगा तो उसके तो पुण्य बढ़ जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ पे तो नारायण पैदा हुएंगे, फिर वो कैसे मरेंगे. तो आकाशवाणी आती है वापस, सेकेंड आकाशवाणी, ये आकाशवाणी आती है, मूर्ख तो इसको लेके जा रहा है अपने रथ में, इसी का आठवां बच्चा तेरा काल है, वही तुझे मारेगा. और जो कंस कुछ समय पहले बहुत प्रेम दिखा रहा था, ही जस्ट चेंजेस मिनटों में, उसके बाल खींचता है देवकी के, तलवार निकालता है और उसका वध करने ही वाला होता है कि वसुदेव. और वसुदेव ये नहीं कहते मैं क्या करूँ भाई, अब चक्कर है करते हैं आपस में. नो, वसुदेव जम्स इन. वसुदेव टेल्स कंस कि मेरी पत्नी है, मेरी ब्याहता, इसके शरीर पे सारे सुहाग की निशान हैं, अभी विवाह करके जा रही है और तुम इसको मारोगे, मैं तो तुम्हें नहीं करने दूंगा. बट वसुदेव इज वेरी क्लेवर. वसुदेव टेल्स हिम, अच्छा अगर हमें किसी से कोई काम कराना हो जो हमारे एंटी हो तो क्या करना चाहिए, हमें उनकी तारीफ ही करनी चाहिए. ओ वाओ, यू आर सो ब्रेव, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो हैंडसम, आप इतने अच्छे. जैसे ही हम अपनी तारीफें सुनते हैं ना, हम अपने सारे एक्ट रोक देते हैं. सो दिस इज द वे टू गेट टू एनीवनस हार्ट, तारीफें करो. उनके तारीफ वसुदेव करते गए तारीफ, कंस रुक गई. तो अगर कंस मार डालते विद इन अ सेकेंड देवकी को, तो वसुदेव ने यही करा. और वसुदेव ने कहा आप इतने वीर हैं, आप एक स्त्री का वध करोगे जो आपकी बहन है, जो आपकी पुत्री समान है, जिसका विवाह हुआ है, अभी मेहंदी लगी हुई है, फेरों से उठी है. तो फिर कंस ने पहुँच दिया. फिर वसुदेव ने काफ़ी सारा ज्ञान दिया कि ये सेकेंड टाइम ज्ञान है जो रथ पे दिया गया है. एक ज्ञान था, कहाँ था, रथ पे किसने ज्ञान दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को भगवत ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान रथ पे दिया गया. इस सेकेंड टाइम है जो ज्ञान रथ पे दिया जा रहा है. थ्री इंस्टेंसेज इन आवर हिस्ट्री जब रथ पे ज्ञान दिया था. तो वसुदेव उसको बहुत कुछ कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नथिंग वे, वो कंस कहता है नथिंग वे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगा, मुझे पता है कि इसका आठवां पुत्र मुझे मारेगा, मैं इसे मारूंगा. और वसुदेव भी वसुदेव थॉट एक्टेड एंड ही केम हिज, हेलो, कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर पुत्र को तुम्हें दे दूंगा. तो अब वसुदेव वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी. कंस नहीं हूँ कि ये अपनी विशेष अपनी वचन को ऑनर करेगा. फिर अल्टीमेटली कंस मान गया, कंस ने उसको छोड़ दिया. ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए कारागार में कंस ने रखा. और जब पहला पुत्र हुआ तो वो पहला कीर्तिमान उसका नाम था. वसुदेव वेंट टू कंस द सेम डे एंड ही सेड लीजिए. कंस वाज सो हैप्पी, वाओ ये तो अच्छा आदमी है, ये तो उसने अपना विश्व ऑनर करा, मेरे पास ले आया. तो कंस ने बोला ले चले, इतना छोटा सा बच्चा क्या करेगा मेरा, कोई बात नहीं ले जाओ. वसुदेव ले आए, बट वसुदेव न्यू कि ये इतना फिकल है, अभी कह रहा है ले जाओ अगले सेकेंड पलट जाएगा. और उधर देवताओं के कैंप में फिर खलबली. देवता कहते हैं लो अभी तो हमने सारी सेटिंग कर ली है, और अब ये कंस अपने पुण्य बढ़ा लेगा, अभी तो मार नहीं रहा. तो देवताओं ने नारद जी को भेजा. नारद जी आए, नारद जी नारायण के साथ उद्देश्य पूरे करने, जो नारद जी का कैरिकेचर बनाया है बॉलीवुड ने. नारद जी बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि, द बिगेस्ट द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल ऋषिज. तो सनातन धर्म को जब नष्ट करने की बारी आती है तो नारद मुनि को भी कैरिकेचर बना देते हैं ये लोग. सो बॉलीवुड हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल हमारे धर्म की हानि के प्रति. बॉलीवुड ने बहुत सीवियर हमारे साथ गेम प्ले करा है जो हमें धीरे धीरे समझ में आता है.
तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने पहला पुत्र छोड़ दिया। तो कंस ने कहा आठवां पुत्र है ना। तो नारद जी ने अष्टतलो वाला कमल विथ एट पेटल्स, आठ पत्तियों के साथ। नारद जी ने कहा गिनती शुरू करो, पहला कौन सा आठवां। उसने कंस ने गिनना शुरू करा, यहाँ से शुरू करे तो ये फर्स्ट एट, यहाँ से करे तो ये फर्स्ट एट। तो वो समझ गया कि तो साइकिल है, कोई भी फर्स्ट हो सकता है, कोई भी एट। सिमिलरली हमारी आठ उंगलियाँ, कौन सी फर्स्ट है कौन सी एट। तो कंस अंडरस्टूड, कंस ने कहा ये बात तो ठीक है नारद जी ने। और नारद जी ने एक और बात कही, तुम्हें बता दूँ ये जो सवाल बाल है ना, ये नंदपुर बाबा के और वसुदेव के, ये सारे देवता हैं, सब दैत्यों का नाश करने के लिए पैदा। नारद जी से सीखते कब समझ गया। वो गया वापस कारागार, उसने लिया और उठा के मारा, ऐसे कर करके। और कंस की क्रूरल्टी बढ़ती चली गई, कंस का एरोगेंस, कंस की क्रूरल्टी, सब इतने परेशान, इतने त्रस्त। छह बालकों का अंत हो गया। सेवेंथ में अब भगवान ने नारायण ने यह गोविंद देवेंद्र, उन्होंने ये रियलाइज करा कि अब समय आ गया है बलभद्र के, बलराम के पैदा होने का। तो उन्होंने कहा योग माया तुम जाओ और तुम्हें पैदा करना है, होना होगा उससे पहले। ये सेवेंथ गर्भ मैं, मेरे अंश का अवतार है और ये होगा देवकी के में, बट यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड प्लांट इट इन रोहिणी। वसुदेव की कई सारी पत्नियां थी। लेट मी नो इफ आई एम बोरिंग यू, आई विल स्टॉप योर ओनली। आर यू इंटरेस्टेड, यू वांट मी टू कंटिन्यू या मैं रोक दूं? आई वांट अ लाउडर साउंडिंग, प्लीज कंटिन्यू। बिकॉज तभी पहले कथाओं में हुंकारे लगवाते थे, बिकॉज अगर ऑडियंस सो जाती है, ऑडियंस अनविलिंग है, तो आई शुड बी वेस्ट आवर टाइम टॉकिंग अबाउट इट, यू नो। तो उन्होंने कहा देवकी के गर्भ में से निकालो और रोहिणी में इम्प्लांट करो। तो आजकल आप लोगों ने IVF सुन लिया है, सरोगसी सुन ली ना। अब हर तरीके के बर्थ अब होने लगे हैं और महाभारत में ऐसे हजारों बर्थ के वर्णन हैं ध्रुवों में। हमारा मिसफॉर्चून है हमने अपनी महाभारत नहीं पढ़ी, हमारा मिसफॉर्चून है हमने अपनी रामायण नहीं पढ़ी। क्योंकि जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं तो वी आर इन नतमस्तक हो जाते हैं विद द नॉलेज, एंड विमेन ऑफ आवर एज हैव नॉट रेड, सो यू कैन इमेजिन व्हाट यंगस्टर्स आर डूइंग। मैकॉले ने कहा था मैं एक ऐसी रेस पैदा कर दूंगा, उन्हें पता होगा महाभारत और रामायण के नेम्स, उन्हें नहीं पता होगा उसमें क्या है, उस ग्रंथ में उन्हें नहीं पता होगा क्या है, एंड वी आर ऑलरेडी एट दैट जंक्शन। अगर हम अभी अवेयर नहीं हुए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सो वो उन्होंने कहा तुझे वहां से हटा के यू हैव प्लांटेड इन रोहिणी। तो योग माया के जस्ट दैट उन्होंने वहां से वो वोम्ब निकाला और यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया। तो वहां पे यहाँ पे कंस को पता लगा कि देवकी के पुत्र हुआ है वो नष्ट हो गया, इट वॉज स्टिल बॉर्न केस, यहाँ पे इनको पता लगा। और वहां पे नंद बाबा के घर में रोहिणी रहती थी, तो जो वसुदेव की पत्नी थी, वसुदेव हैड मेनी वाइव्स, वो बाहर रहती थी, वहाँ पे पुत्र हो गया बलराम, उनका नाम बलराम। तीन रीजंस है, उनका नाम संकर्षण है क्योंकि वहाँ से निकाला गया और यहाँ इम्प्लांट किया गया, एंड बल बिकॉज एक्सट्रीमली बलशाली, एंड राम बिकॉज ही वॉज प्लीजिंग टू एवरीवन। ये भागवत कहती है कि बलराम के नेम के थ्री मीनिंग्स हैं, संकर्षण, बलराम और राम और बल, बलराम ऐसे। अब बलराम हो गए, अब कृष्ण कहते हैं अब बात नक्षत्रों में, तारों में, पूरे उसमें जो चेंजेस हुए जब भगवान को जन्म लेना था। अब भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा का जन्म कैसे हो सकता है? One who is never born and one who will never die is supposed to take janma. Now how is that janma going to be? So, ajanma ka janma jab hota hai,
इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ उन्होंने बताया है. जब हम भागवत पुराण में जब भी पढ़ते हैं वर्णन, तो जिस तरह से कथा कही है, भगवान कहते भगवान सबसे पहले उनका समय आ गया और देवकी और वसुदेव कारण होते हैं. तो भगवान कहा क्या करते हैं, भगवान पहले प्रकट होते हैं मन में. जैसे आज का टॉक उमा आंटी के मन में था, पहले उमा आंटी के मन में आया, शी रीच्ड आउट टू मी, शी रीच्ड आउट टू ऑल ऑफ यू, एंड आज सब प्रकट हो गया. सिमिलरली जब भगवान जन्म लेते हैं, पहले मानस में सृष्टि होती है, तो भगवान रियलाइज ही इज गॉट टू कम, तो वो प्रकट होते हैं उस जेल के, उस कारागार के अंदर वसुदेव के मन में. एंड द मोमेंट भगवान कम्स इन वसुदेव्स मन, वसुदेव इज एफल्जेंट, जैसे सूर्य की प्रभा होती है, वो ग्लो करने लग जाते हैं, इतना जबरदस्त ग्लो, कोई उनको बेयर नहीं कर पाता. और वो ग्लो जो उनके मन में है, वो अब देवकी को धारण करना है. देवकी धारण करती है वो ग्लो को, परंतु कभी हम दिया जलाते हैं और मटकी के अंदर रखते हैं, तो क्या दिया सबको विजिबल होता है? सपोज हमने दिया लाइट करा और मटकी के अंदर बंद कर दिया, विजिबल नहीं होता. सिमिलरली उस कारागृह में देवकी की एफल्जेंस, पर द मोमेंट वो देवकी के मन में आते हैं, देवकी एक्सपीरियंसेस ऑल द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि वो देवकी के गर्भ में नहीं है, बट शी गोज थ्रू एवरीथिंग, ऑल द सिम्टम्स, एंड शी स्टार्ट्स ग्लोइंग. और ये न्यूज पहुंच जाती है कंस के पास, और कंस आता है देवकी को मिलने. मीनवाइल कंस इतना विचलित हो चुका है, कंस को सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ कृष्ण देखता है कि अगर मैं कुछ गुस्सा खा रहा हूँ, कृष्ण खाना बन के मार देगा, अगर मैं कुछ पी रहा हूँ, कृष्ण मुझे मार देगा. कृष्ण के मन में, कंस के मन में भी कृष्ण है पर किस रूप में है, और परीक्षित के मन में भी कृष्ण है पर किस रूप में, दैट्स द डिफरेंस. तो कंस इज वेरी 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 एक्सट्रीमली पैरानॉइड. कंस कम्स टू विजिट देवकी एंड ही सीज देवकी ग्लोइंग. कंस कहता है, ओहो ये तो मेरा शत्रु विष्णु आ गया. और कंस कहता है, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं पिछले जन्म में कालनेमी था, और कालनेमी असुर को विष्णु ने ही मारा था. ये पुरानी हमारी एनिमिटी चली आ रही है और ये आ चुका. एंड नाउ कंस कीप्स अ वेरी टाइट वॉच, इनको बेड़ियों में बंद कर देता है सब. और कंस के पर मन में आता है, अब मैं देवकी को यही खत्म कर दूं, बच्चा भी खत्म हो जाएगा. पर कंस कहता है कि मेरी ग्लोरी खत्म हो जाएगी, मरने के बाद ही नाम खराब हो जाते हैं, यश खराब हो जाता है कि बहुत क्रूर था, अपनी बहन को मार दिया, आई डोंट वांट ऑल दैट. और दूसरी तरफ से भागवत पढ़ने वाले कहते हैं कि बिकॉज भगवान आ गए थे, कंस का मन बदल गया. इन एनी केस कंस इज नॉट क्लियर, कंस गोज बैक, आई एम कीपिंग अ टाइट विजिल ओवर हियर. सो कंस के इतने एक्सट्रीम विजिल में अब वो चला गया. अब भगवान प्रादुर्भाव, भगवान की स्तुति करने के लिए शंकर देवता, सारे ऋषि मुनि, दे ऑल एंटर द सेल, सब अपने सूक्ष्म रूप में आते हैं, द सेल इज फिल्ड, और सब लोग वहाँ पे स्तुति करते हैं. तो एक बहुत सुंदर स्तुति है, इसको गर्भस्थ स्तुति कहते हैं. एनी वन ऑफ यू हु विशेस टू गो एंड प्रोसीड कैन डू इट. इट्स अ ब्यूटिफुल स्तुति, गर्भस्थ स्तुति भगवान की होती. अब स्तुति हो गई, अब देव कृष्ण कहते हैं अब मेरा प्रकट होने का समय आया. तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं अपने चतुर्भुज रूप में. उन्होंने पहन रखे हैं ब्यूटिफुल पीतांबर वस्त्र, उनके चारों हाथों में आयुध हैं, एंड सर पे मोर मुकुट है. विथ हिज एफल्जेंस, विथ हिज ब्यूटी, घुंघराले उनके केश हैं, वो प्रकट हो जाते हैं. जैसे ही प्रकट होते हैं, वसुदेव कहते हैं, ओ माई गॉड, देवकी के यहाँ से ये हुआ है, ये ऐसा पुत्र, वो तो ये तो नारायण है साक्षात. वसुदेव घबरा जाते हैं, कहते हैं आप इस रूप में प्रकट हुए, कंस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंस आ जाएगा आपको मारने के लिए, प्लीज आप कुछ करो. उतने में देवकी को होश आ जाता है, देवकी जस्ट डिलीवर्ड, शी जस्ट हैड अ बेबी. तो देवकी देखती है वही रूप, वो भी तत्मस्तक, फिर कहती है दिस इज नॉट फेयर, आप पुत्र बन के आए हो, ये चार हाथ पात नहीं चलेंगे, नॉर्मल देवी की तरह आओ और ये कपड़े पहन के. हमारे तो कोई ह्यूमन देवीज नहीं होते, आप तो ये वस्त्र पहन के आ गए, आप इतने सारे आयुध लेके आ गए, व्हाट इज दिस, आई डोंट वांट ऑल दिस. अगर आपको मेरा पुत्र बनना, नॉर्मल आओ भाई,
ऐसे तो देख के वो फिर बस वो देवकी सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तब नारायण उसको कहते हैं, आई केम लाइक दिस टू रिमाइंड यू कि तुम्हारा ये थर्ड जन्म है जब तुम मेरे माँ बाप बने हो। सबसे पहले प्रिश्नी थी तुम और आई फॉरगेटिंग द नेम, प्रिश्नी सुतपा, प्रिश्नी थी तुम और सुतपा थे वसुदेव। और तब तुमने इतनी तपस्या करी और तो मैंने कहा आप क्या चाहिए, तो तुमने कहा मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने सोचा मेरे जैसा मैं कहाँ से लाऊँ, मैं तो अकेला हूँ। बिकॉज आई कुड नॉट गिव वॉट यू वॉन्टेड, आई एम गिविंग यू थ्री बूंस, तो तीन बार आप ही मेरे माता पिता बने हो, मैं आपका पुत्र। तो पहले वो था, सेकेंड जन्म में कश्यप और अदिति, अदिति आप बनी, कश्यप ये बने, और मैं पैदा हुआ उपेंद्र के रूप में जिसे वामन अवतार कहा जाता है। एंड थर्ड ये है, जब आप बनी हो देवकी, ये बने हैं वसुदेव और मैं आपका। अब मैंने अपने पूरे वाव फुलफिल कर लिए, तो फिर माता कहते भाई ऐसे मत आओ, तुम जाओ और तुम प्रॉपरली आओ, नहीं तो मैं तो घबरा रही हूँ, मैं डर रही हूँ, कंस मार डालेगा, बिंग मत। तो कृष्ण चेंजेस हिज फॉर्म, कम्स बैक टू अ बाल, बाल स्वरूप, सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा बालक। अब वहाँ पे क्या होता है, योग माया वहाँ पे पैदा हो चुकी होती है। कहाँ योग माया पैदा हो चुकी है, उनके घर पे। किन की योग माया था, थोड़ा सीरियस हो रहा है ना।